हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित अहरवाल और आज का अपना टॉपिक है होम्योस्टेसिस। तो पिछली वीडियो में अपना देखा था सोडियम पोटेशियम पम्प, इसमें अपन देखेंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जो टर्म है वो अपन के कॉन्स्टेंसेस के लिए, कॉन्स्टेंट मेंटेन करने के लिए, अपन का एनवायरनमेंट है जो कॉन्स्टेंट मेंटेन करने के लिए दी गई है। तो होम्योस्टेसिस देखते हैं अपन, होम्योस्टेसिस में पढ़ना क्या है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद अपन इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, किसको मेंटेन करना है कॉन्स्टेंट, और फिर उसके बाद कैसे मेंटेन करते हैं, मेंटेन कैसे करते हैं, तो उसकी मैकेनिज्म होती हैं कुछ, कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। इसकी मैकेनिज्म भी पूछी जाती हैं, अलग से इसका शॉर्ट नोट पूछा जाता है और कई ऑब्जेक्टिव भी इसमें से बनते हैं। तो देखते हैं अपन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस रिफर्स टू मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, मीन्स इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंट करना ही अपन का क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। जो कि किसने बताया था, सबसे पहले क्लॉड बर्नार्ड ने बताया था, ठीक है। उन्होंने देखा क्या था, उन्होंने देखा कि ही डिनोट दैट फैक्ट दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन लिव इन अ परफेक्टली ऑर्गेनाइज कंट्रोल इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, मिलियो इंटीरियर। तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, एक सेल से ज़्यादा सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि अपन भी हो सकते हैं, कई और जीव है, जो कैसे एक परफेक्टली कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब उनमें एक व्यवस्थित क्रियाक्रम होता है कि हाँ इसके बाद ये होना है, इसके बाद ये होना है, कोई भी एक्सरसाइज चल रही है तो उसके बाद कैसे हार्ट रेट बढ़ा देना है, कैसे रेस्पिरेटरी इफेक्ट डालना है, तो ये सब बिल्कुल एक अरेंज होता है। तो वो उसको क्या, सबसे पहले किसने देखा था, क्लॉड बर्नार्ड, इसको उन्होंने टर्म दिया था मिलियो इंटीरियर। और जो होम्योस्टेसिस टर्म है वो किसने दिया था, बनके वाल्टर वी कैनन ने। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप एक्स्ट्रा मतलब इसमें ले सकते हैं। फिर अपन देखते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड वाला एनवायरनमेंट। जैसे ये सेल्स दिख रही बहुत सारी, ये सेल्स के बाहर जो ये एनवायरनमेंट दिख रहा है, ये इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब सेल जिस एनवायरनमेंट में है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल इसलिए गया क्योंकि ये बॉडी के अंदर है, इसलिए इसको इंटरनल बोला गया है, ठीक है। इट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इन विच सेल लिव, जिसमें सेल जिंदा रहती है, वही क्या कहलाता है अपन का, इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसमें कैसे चेंजेस होते होंगे, कई आयनिक चेंजेस होते होंगे, ठीक है, और कई मतलब हार्मोन की वजह से भी चेंजेस होंगे, आयन कोई भी आयन, सोडियम पोटेशियम अपन कॉमन ही आयन है जो यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो इनको अगर ये कॉन्स्टेंट मेंटेन है तो हमारा होम्योस्टेसिस ठीक है, अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो फिर अपन को कोई ना कोई कोई भी अपन को जो फंक्शन से डिसलोकेशन हुआ तो बस अपन को कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ईसीएफ कंटेंट न्यूट्रिएंट्स आयन एंड ऑल अदर सब्सटेंस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल, तो ये पता चल गया ये ईसीएफ क्या लिए रहता है अपन का, न्यूट्रिएंट आयंस एंड ऑल अदर सब्सटेंस जो क्या उसके लिए सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन नॉर्मल हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड अपॉन द कॉन्स्टेंट मेंटेन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अगर आपको हेल्दी दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, किस फिजियोलॉजिकल लिमिट में, ठीक है। इफ़ इंटरनल एनवायरनमेंट डेविएट्स बियॉन्ड द सेट लिमिट, बॉडी सफर फ्रॉम माल फंक्शन और डिसफंक्शन। अगर वह इंटरनल एनवायरनमेंट से थोड़ा भी कुछ हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन, मीन्स वो उतने अच्छे परफेक्ट से काम नहीं कर पाएगा वो वाला फंक्शन, जिस तरह भी डिसफंक्शन हुआ होगा या जिस तरह से भी उसमें चेंज हुए होंगे। नॉर्मल एनवायरनमेंट इज अचीव्ड बाय होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। तो जो अपन अगर एक बार डेविएशन हो भी गया तो उसको वापस से अपन कैसे कर सकते हैं, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के द्वारा अपन उसको वापस ला सकते हैं। अब देखते हैं कि ये होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म के द्वारा हम कैसे उसको, जो भी डेविएशन हुआ है उसको वापस कैसे ले सकते हैं। तो इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेटिक सिस्टम इंक्लूड थ्री कंपोनेंट, सेंसर, कंट्रोल और इफेक्टर। सेंसर वो होता है जो डेविएशन का पता लगाता है कि क्या डेविएशन हुआ है, कितना हुआ है, ये सेंसर पता लगाता है। सेंसर के बाद ये चीज़ जाती है किसके पास, कंट्रोल के पास। कंट्रोल सेंटर पता लगाता है कि कितना चेंज करना है या बढ़ाना है या घटाना है, और उसके बाद जाता है इफेक्टर उस पार्ट पे फिर काम कर देता है, ठीक है। इतना आ गया, ये रहा अपन का सबसे पहले सेंसर। सेंसर ने क्या डिटेक्ट किया, डेविएशन डिटेक्ट किया, तो क्या
सबसे पहले सेंसर ने नॉर्मल था, नॉर्मल से डेविएट हुआ, डेविएट किसने सेंस डिटेक्ट किया, सेंसर ने, सेंसर ने डिटेक्ट करके इसको बोल दिया, भेज दिया कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा, इफेक्टर के पास भेजेगा, उसमें क्या होगा करेक्शन, वापस से क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा जी अपना। इस तरह से मैकेनिज्म काम करती है, ठीक है। अब देखते हैं अपन मैकेनिज्म के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम के कैसे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इन द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मेसी ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। तो जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म ही हैं जो अपन के क्या है, जो अपन का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको नॉर्मेसी की तरह मेंटेन करते हैं। व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एनी सिस्टम द इफेक्टर ब्रिंग बैक द नॉर्मेसी आइदर बाय इनहिबिटिंग और रिवर्सिंग द चेंज और वह सपोर्टिंग एक्सलेटिंग द चेंज डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। अब इसको कैसे समझें, इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं अपन लोग कि ये एक तरह का पेंडुलम है, ठीक है। इसमें अपन ने कुछ चेंज किया, ये आगे की तरफ जा रहा है, अब ये वापस भी आएगा इधर तक। तो एक तो चेंज ये हो सकता है कि इसको यहीं तक मेंटेन करने देंगे, वापस से इधर आए, फिर इधर आए, इधर आए, बीच में कहीं क्या है घटते 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 इधर आएगा ना, तो मेंटेन रहे सिर्फ यहाँ पे। जैसे कि अपन के कहाँ पे होता है, अंतरिक्ष में ले जाएं, तो अंतरिक्ष में अगर एक बार इसको चला दिया तो इतने यहीं पे आएगा और चलता ही रहेगा इतने पे, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि अपन एक्सेलरेट करते जाएं, बार बार उसको सपोर्ट करते जाएं कि हाँ भाई तू यहीं तक पहुँच, और दूसरा ये हो सकता है कि अपन इसको बीच में ला सकते हैं, बीच में वापस से रोक सकते हैं, तो इसको इनहिबिट करके वापस से इस पे ला सकते हैं। तो उसने यही समझाया है कि व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन बिहेवियरल पैटर्न ऑफ एनी सिस्टम द इफेक्टर ब्रिंग बैक द नॉर्मेसी आदर वाय इनहिबिटिंग एंड रिवर्सिंग। तो इसको या तो इनहिबिट कर देगा, मतलब यहाँ पर रोकेगा और वापस लाएगा, या तो ये कर सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है चेंज और बाय सपोर्टिंग एक्सेलरेटिंग द चेंज, या तो फिर सपोर्ट करके उसको क्या कर सकता है एक्सेलरेट कर सकता है, ठीक है। ये दो चेंज उसमें कर सकते हैं। अब ये कैसे कर सकते हैं, ये इसके लिए होती हैं कुछ मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म कौन कौन सी होती हैं, एक होती है फीडबैक मैकेनिज्म, एक होती है अडेप्टिव मैकेनिज्म। तो अडेप्टिव मैकेनिज्म अपन बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं अपन फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म में होती हैं दो मैकेनिज्म, कौन कौन सी, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को मैंने अभी कौन से बताया कि नेगेटिव फीडबैक इज द वन इन विच द होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म रिएक्ट इन सच अ वे एज टू अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज। तो इसको रोकना है, अरेस्ट द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। ये क्या, रिवर्स पहले अरेस्ट करेगा और इसको क्या लाएगा, रिवर्स में लाएगा। ये कौन करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। मैनी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म इन बॉडी फंक्शन थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बहुत सारी मैकेनिज्म हैं जो नेगेटिव के द्वारा काम करती हैं, रेगुलेशन ऑफ बहुत सारे हार्मोन का, जैसे कि अपन की पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं उनका रेगुलेशन भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है। कोई ज़्यादा निकल गया तो उसका वापस से फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा पिट्यूटरी को बोलेंगे भाई बहुत ज़्यादा निकाल दिया है, तो उसको अरेस्ट कर देते हैं अपन लोग, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस जैसे कि अपन का वाटर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन, मेनली ADH। तो ADH अगर ज़्यादा निकल गया, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन हो गया, तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, पिट्यूटरी पे नेगेटिव फीडबैक जाता है, और नेगेटिव फीडबैक की वजह से ADH का सिक्रीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इधर एक एग्जांपल से देखते हैं कि जब नॉर्मल है, दोनों तरफ से नॉर्मल है, तो यहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे एक थायरोक्सिन, जो थायरॉयड हार्मोन है, थायरॉयड में दो होता है, एक कौन कौन सा होता है, एक होता है T3 और एक होता है T4। तो T4 वाले को अपन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, थायरॉक्सिन, क्या बोलते हैं अपन लोग, थायरॉक्सिन, ठीक है। अब ये थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन का लेवल जब इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, BMR वगैरह इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे बॉडी फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे, जिससे वजह से क्या होगा, फिर इसका इनहिबिशन, क्या इनहिबिशन ऑफ TSH सिक्रीशन, मतलब इसको सिक्रीशन को क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे, डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, उसको वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डिक्रीज हुआ तो फिर से बॉडी फंक्शन अफेक्ट होंगे, फिर से बॉडी फंक्शन अफेक्ट हुए तो फिर इसको क्या स्टिमुलेट करना पड़ेगा, तो स्टिमुलेशन ऑफ TSH सिक्रीशन और इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन और वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब अपन देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या है अपन का, इट इज़ द वन टू विच सिस्टम, इट इज़ द वन जिसमें क्या है, सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करता है कि इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ चेंज इन सेम डायरेक्शन। तो ये अपन का सेम डायरेक्शन में इंटेंसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ये कौन करता है अपन का, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इट इज़ द वन इन विच द सिस्टम रिएक्ट इन सच अ वे टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में इंटेंसिटी चेंज कर देता है।
जैसे कि अपन का ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ब्लड क्लॉटिंग के अलावा अपन का जो ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो क्या करता है अपन का जो भी 9th महीने के पीरियड के बाद जो फीटस को अपन बाहर निकालना होता है, तो उस प्रोसेस में, पार्चुरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीटोसिन का लेवल जो सिक्रीट होता है वो पॉजिटिव फीडिंग मैकेनिज्म से ही होता है। और ब्लड क्लॉटिंग भी एक पॉजिटिव फीडिंग मैकेनिज्म ही है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक से दूसरा फैक्टर सबसे पहले एक्टिव करता है, दूसरे से तीसरा, ये अपन लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड वाले चैप्टर में कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। अभी सिर्फ आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, इतना मतलब इतना 2 से 2.5 पेज अपना बहुत है यूनिवर्सिटी के लिए। और सबसे एंड में देखते हैं अपन अडेप्टिव मैकेनिज्म या फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ये थोड़ा समझ में दिक्कत देता है पर बहुत ईजी है। कैसा? इट इज़ द कंट्रोल सिस्टम इन होम्योस्टेसिस दैट एंटिसिपेट, एंटिसिपेट मतलब पता लगा लेता है पहले से द चेंज और डेविएशन दैट मे ऑकर इन लेटर स्टेज, बाद में जो होने वाले चेंज उनका पहले से पता लगा लेता है, एंड टेक अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। और डिस्टर्बेंस ना हो बॉडी में, उसके लिए पहले से कोई ना कोई चेंज कर देता है। ये कहलाता अपन का अडेप्टिव मैकेनिज्म। जैसे कि प्री अडेप्टेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज सच एज चेंज इन CVH, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेंज हो जाना, एक्सरसाइज होने के पहले ही हार्ट रेट बढ़ जाती है, केवल थॉट से ही अपन की हार्ट रेट बढ़ जाती है, बहुत सारा ब्लड के हाँ पता है मसल्स में बहुत सारी ऑक्सीजन ले जानी है क्योंकि अब एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। तो ये सब मैकेनिज्म होते हैं किसमें, अडेप्टिव मैकेनिज्म में। सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, कोई भी देखी अपन ने चीज़, जैसे अपन वो गोलगप्पे वगैरह देख लेते हैं तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होने लगता है, कोई भी ऐसा खाना वगैरह देख लिया, तो इस वजह से जो पहले से प्री अडेप्टेशन होना ही क्या कहलाता है अपन का अडेप्टिव मैकेनिज्म या फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। थैंक यू गाइज, अगर आपको पसंद हुआ तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।